By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 कामचोर। तो यहाँ पर घर के सब बड़े एक साथ बैठे हुए हैं। इन सब बड़ों में वाद विवाद हो रहा है और वाद विवाद के बाद एक चीज़ को ये लोग तय करते हैं। वो चीज़ ये होती है कि घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए। जी हाँ, सचमुच में घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए। तभी उनमें से एक बड़ा बोलता है, ये मोटे मोटे किसी भी काम के नहीं हैं, हिलकर पानी तक नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। तो आखिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं और आखिर वो ये मोटे मोटे किसको बोल रहे थे? तो ये जो मोटे मोटे हैं ये थे बच्चे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हर घर के अंदर, आपके घर के भी अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम से बच के भागता होगा। कुछ ना कुछ काम आपने उसे बताया और वो उससे बच के निकल लेता होगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कामचोर। और यही कहानी है कामचोरों के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन भर ये बच्चे बैठे रहते थे, आराम करते रहते थे या फिर मौज मस्ती करते थे, शरारत करते थे और अपना पूरा दिन इन्हीं चीज़ों के अंदर निकाल देते थे। यहाँ तक कि खुद के कार्य भी वो खुद नहीं करते थे, अपने आप अपने काम नहीं करते थे। ऐसे में घर के बड़ों ने सोचा कि घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए और इन निकम्मे बच्चों को घर में छोटे बड़े काम करने में हाथ बटाने को कहा जाए। सोच तो उनकी सही थी, लेकिन ये जो सोच थी इसको हकीकत में रूप देने के लिए उन्हें पता चलता है कि क्या कुछ होगा। अब माँ बाप की बात सुनकर बच्चों ने सोचा कि कुछ काम अब खुद कर लिया जाए और उन्होंने सोचा कि काम की शुरुआत करी जाए अपने लिए खुद पानी लेकर। तो उन्होंने ऐसा ही करा। खुद पानी लेने के लिए वो फटाफट मटके और सुराही की तरफ पहुंचे, दौड़े 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 दौड़े। फिर क्या था, पहले पानी लेने के चक्कर में सब में धक्का मुक्की होना शुरू हो गई। कोई किसी से डरने वाला तो था नहीं और कोई किसी की सुनने वाला भी नहीं था। तो फिर सब में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि सारे मटके, सुराही, पतीले इधर उधर बिखर गए और सब बच्चे बुरी तरीके से भींग गए पानी से। बच्चों की माँ ने उन्हें फरमान दिया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब बच्चे डर गए और उन्होंने काम करने के लिए राजी भर ली कि हाँ, हम काम करेंगे। लेखक की माँ ने बच्चों को कई सारे काम बताए, जैसे गंदी दरी को साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ पौधों में पानी देना। साथ ही लेखक के पिता ने बच्चों को ये भी लालच दिया कि मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। बच्चों ने अपने काम की शुरुआत फर्श पर पड़ी दरी को साफ करने से करी। तो उन्होंने दरी को साफ करना शुरू करा। कुछ बच्चों ने सोचा क्यों ना इस दरी के ऊपर इस दरी को मारना शुरू करा जाए डंडों से। तो उन्होंने ऐसा ही करा जिससे मिट्टी निकल जाएगी दरी से। देखते हो ना, किसी भी चीज़ को झाड़ने के लिए हम उसको जनरली जो हमारा डोरमेट होता है उसको उठाते हैं और मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, तब उससे मिट्टी निकल जाती है। तो ऐसा ही बच्चे दरी के साथ करने की कोशिश करते हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से वो दरी को मारते हैं कि पूरे कमरे के अंदर धूल फैल जाती है, जिसकी वजह से वो धूल उनकी आँखों, नाक, मुँह के अंदर चली जाती है और वो खास खास के बेदम हो जाते हैं। बेदम मतलब ऐसा लगता है कि उनकी जान ही निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों ने दूसरे काम का मोर्चा संभाला। आंगन में झाड़ू लगाने का काम शुरू हुआ। कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए जिससे कि धूल मिट्टी ना उड़े। तो उन्होंने ऐसा ही करा। फिर क्या था, झाड़ू लगना शुरू हुई। अब काम धाम तो कुछ होना नहीं था, इन सब बच्चों में लड़ाई होना शुरू हो गई। कोई किसी से झाड़ू छीन रहा है, कोई कुछ छीन रहा है। झाड़ू छीनते 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 पूरी झाड़ू के तिनके इधर उधर बिखर गए और बच्चे अब मिट्टी से सन चुके थे। मिट्टी भी क्या, कीचड़ से, क्योंकि आंगन के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा पानी फैला दिया था कि जो आंगन की मिट्टी थी अब वो कीचड़ की तरह बन गई थी। तो ये लोग भी कीचड़ से सन चुके थे। खैर, अगला काम था पेड़ों में पानी देना। अब सारे बच्चे बाल्टियाँ, लोटे, भगोने लेकर पेड़ों में पानी देने पहुँच गए। अब काम तो क्या ही होना था, फिर दोबारा से धक्का मुक्की शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि सारे बच्चे फिर दोबारा से कीचड़ में सन गए। बच्चों को काबू करने के लिए सभी बड़ों ने
जैसे कि भैया, मामा, मामी, मौसा आदि को बुला लिया गया और फिर पड़ोस के बंगले से नौकरों को भी बुलाया गया। अब जो नौकर आए पड़ोस के बंगले से, उन्हें कहा गया कि 4 आने 1 बच्चे के ले लो, लेकिन इन सब बच्चों को नहला धुला दो। तो ऐसा ही करा उस नौकर ने, इन सब बच्चों को नहला दिया। अब बच्चे कहाँ मानने वाले थे, और उन्हें एक चीज़ तो पता चल गई थी कि हम लोग सफाई और पौधे में पानी नहीं दे सकते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुर्गियों को दबड़े के अंदर बंद करा जाए। दबड़ा क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मुर्गी घर को, जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं। तो उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश करी। सब बच्चे मुर्गियों को पकड़ने के लिए भागने लगे, जिस वजह से मुर्गियाँ डर गईं और वो इधर उधर भागने लगी ज़ोर ज़ोर से। डर से भागती मुर्गियाँ घर की रसोई तक पहुँच गईं, घर के आंगन के अंदर भी घूमने लगी वो ज़ोर ज़ोर से, और चारों तरफ उत्पात मच चुका था। उत्पात मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर हंगामा एक टाइप से मच चुका था, लेकिन उन बच्चों से एक भी मुर्गी दबड़े में नहीं गई, मतलब कि मुर्गी घर में नहीं गई। अचानक कुछ बच्चों का ध्यान घर आती भेड़ों पर लगा कि अरे ये भेड़े घर आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन भेड़ों को कुछ खिला पिला दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही करा, भेड़ों के आगे कुछ अनाज के दाने रखे, खाने पीने की चीज़ रखी। तो अब भेड़े तो बहुत ज़्यादा भूखी थी सारी भेड़े, तो वो अनाज के दानों के ऊपर टूट पड़ी और कुछ भेड़े रसोई के अंदर भी घुस गईं। जब वो रसोई के अंदर घुसी तो उन्होंने सब्जियाँ, मटर और अन्य खाने पीने की चीज़ें सबको खाना शुरू कर दिया। इस वजह से पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से भेड़ों पर काबू पाया गया। इतना सब काम करने के बाद बच्चे जो थे उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना हम लोग फिर से कुछ काम करें, और अब वो गए भैंस का दूध निकालने के लिए। जब वो भैंस के पास जाते हैं तो भैंस इतने सारे बच्चों को देख के डर गई और अपने चारों पैरों से उछलकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। बच्चों ने सोचा अरे ये भैंस तो छलांग लगा रही है, क्यों ना इस भैंस के पैर ही बांध दिए जाएं। तो उन्होंने ऐसा ही करा, बच्चों ने भैंस के अगले दो पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। भैंस डर के मारे इधर उधर भागने लगी और साथ में चाचा जी की चारपाई भी घसीटती रही। तो बच्चों को आप देख रहे हो कि रुक ही नहीं रहे हैं। अब भैंस जहाँ जहाँ जाती चाचा जी की चारपाई भी उन्हीं के साथ जाती, और इतने में कुछ बच्चों ने भैंस के बछड़े भी खोल दिए। बछड़ों के चिल्लाने से भैंस रुक गई और बछड़े तत्काल दूध पीने में लग गए। मतलब क्या हुआ, दूध निकालने के लिए ये लोग गए थे, अब इन्होंने बछड़े खोल दिए तो भैंस तो रुक गई और सारा दूध लेकिन बछड़े पी गए। इतना सब होने के बाद जो लेखक की माँ थी वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने मायके जाने की धमकी दे डाली। पिताजी ने सब बच्चों को बुलाया और बोला आज के बाद कोई भी किसी भी काम को नहीं करेगा, हाथ भी लगाने की मत सोचना किसी काम से। अगर किसी ने भी कुछ भी काम करने की कोशिश करी तो मैं रात का खाना नहीं दूंगा उसे। यानी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। निकम्मे बच्चे जो पहले कोई भी काम नहीं करते थे, आज के बाद भी वो कोई काम नहीं करने वाले।